हाई एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेस्टिक तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्जेंट ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में कांगीजेंट ने अभी जेंसी प्रोफाइल के लिए हायरिंग निकाला है और ये जो हायरिंग है वो प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी रोल के लिए है तो हम इस हायरिंग के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है क्या क्या एलिब्रिटी क्राइटेरिया है कौन कौन अप्लाई कर सकता है कौन अप्लाई नहीं कर सकता है इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में समझेंगे बाकी अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं एक्चुअली कॉन्ग्जेंट अभी प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी रोल के लिए हायर कर रहा है बी बी टेक एम ई एम टेक एम सी ए और एम एस सी वाले अप्लाई कर सकते हैं बैचे जो एलिजिबल है इसमें वो है दो हज़ार बाईस वाले दो हज़ार इक्कीस वाले और दो हज़ार बीस वाले सिलेक्शन के बाद जो आपका जॉब लोकेशन होने वाला है वो एनी वेयर इन इंडिया होगा यानी इंडिया के किसी भी ऑफिस में आपको बुलाया जा सकता है एक्सपीरियंस में इन्होंने फ्रेशर्स मांग रखा है सैलरी और सी टी सी जो आपकी होगी फोर पॉइंट जीरो वन एल पी ए का होगा आफ्टर प्रोवेशन पीरियड यानी जब आपका प्रोवेशन पीरियड एंड हो जाएगा उसके बाद जो आपका सैलरी बन के आएगा वो 4.5 पॉइंट फाइव एल पी ए का होगा लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो सिक्सटी अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू है यानी सोलह अक्टूबर दो हजार बाईस से पहले आपको अप्लाई करना है तो ये था कॉन्ग्रीजेंट के हायरिंग डिटेल्स अब हम इसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने कुछ पॉइंट मेंशन किया है जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है

एटथ पॉइंट है पार्टिसिपेट एज ए मेंबर ऑफ प्रोजेक्ट टीम इन मीटिंग्स एंड टेक्निकल सेशन टू डेवलप रिलेबल कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी सोलूशन नाइन्थ नंबर पॉइंट है कंटिन्यूसली अप स्किल डी स्किल एंड क्रॉस स्किल टू स्किल न्यू टेक्नोलॉजी सेकेंड लास्ट पॉइंट नंबर क्या है पोजेट एक्सीलेंट रिटेन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ये तो बेस्ट होनी चाहिए रिटेन एंड कम्युनिकेशन स्किल किसी भी कंपनी में बेस्ट होनी चाहिए सबसे लास्ट नंबर जो पॉइंट है एलेवंथ नंबर वो क्या है एबिलिटी टू वर्क कोहेरेंटली इन अ टीम तो ये था कॉमिजेंट का जॉब डिस्क्रिप्शन जिसमें एलिवेंथ पॉइंट मैंसन है हमने एक एक पॉइंट को आपको बताया है पढ़ पढ़ के अब हम इसके एलिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं एलिजिलिटी क्रैक्टेरिया में भी इन्होंने कुछ पॉइंट मैंसन किया है पॉइंट वन क्या है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यानी दो हज़ार बीस इक्कीस और बाईस बैच वाले यदि आप बी बी टेक एम ई एम टेक एम सी एम एस सी एम एस सी में हैं सी एस और आई टी का होना चाहिए अगर आप सी एस आई टी से हैं एम एस सी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं बी बी टैक वाले और एम ई एम टेक वाले दो हज़ार बीस दो हज़ार इक्कीस और दो हज़ार बाईस मैच वाले अप्लाई कर सकते हैं एम एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप फाइव ईयर इंटीग्रेट प्रोग्राम कर रखे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है कि आपका जो है टेंथ ट्वेल्थ डिप्लोमा यू जी और पी जी में मिनिमम फिफ्टी परसेंट होना चाहिए या इससे बहुत होना चाहिए अगर इससे बिलो है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं थर्ड पॉइंट क्या है कि आपके पास जो है कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए बैकलॉग नहीं होना चाहिए नो स्टैंडिंग एरियर इन करेंट एजुकेशन फोर्थ जो पॉइंट है वो फोर्थ क्या है? मैक्सिमम जो है टू ईयर एजुकेशन में गैप होना चाहिए इससे ज्यादा अगर गैप है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑल रिक्विट्स नीड टू है यानी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जो है आपका फिफ्टी परसेंट एग्रीगेट लिया जाएगा इससे अगर कम है तो आपको अप्लाई नहीं करना है या कंसीडर भी नहीं किया जाएगा और उस वक्त जो है जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे उस वक्त जो है आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए नो no बैकलॉग ठीक है सिक्स नंबर पॉइंट क्या इन्होंने मैंसन किया है स्टूडेंट अप्लाइड फॉर रीएबुलेशन एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट वुड बी विद बीसिडर्ड विदल्ट स्कोर डिक्लेयर्ड सिक्स पॉइंट का मतलब समझिए कि यदि आपके पास सिक्स सेमेस्टर में सेवन पॉइंट नाइन सी जी पीए ठीक है तो तो आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन क्या होगा कि अगर आप री एव्यूलिएसन के लिए दे रखे हैं री एव्यसन के लिए दे रखे हैं और री एव्यशन के बाद आपका जो है एट पॉइंट जीरो सी जी आता है कब आता है जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तब आता है तो क्या होगा कि ज्वाइनिंग के वक्त जो है आपका सेवन पॉइंट नाइन सी जी ही कंसीडर किया जाएगा एट पॉइंट जीरो सी जी को कंसिडर नहीं किया जाएगा सपोज कीजिए कि आपका जो है सिक्स सेमेस्टर में फाइव सी जी पी ए है फाइव सी जी पी ए हैं ठीक है रिएवेशन के दे रखे हैं लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है और ज्वाइनिंग हो गया है तो आपका जो है इस समय फाइव सी जी पी ए कंसिडर किया जाएगा और इस केस में क्या होगा कि आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा ये आपका बैकलॉग रह जाएगा तो आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा सेवेंथ नंबर पॉइंट क्या है अप्रोप्रिएट सी जी पी ए टू परसेंटेज कन्वर्जन टू बी कंसिडर एड पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स यानी ये कहने का मतलब है किसे यूनिवर्सिटी का कुछ रूल रेगुलेशन होता है उसके अनुसार जो है आपका सी को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा ठीक है एट्थ नंबर पॉइंट क्या है स्ट्रॉन्ग रिटर्न एंड कम्युनिकेशन स्किल ये तो पहले भी था जब डिस्कशन में आपका जो है रिटर्न एंड कम्युनिकेशन स्किल जो है बेस्ट होना चाहिए ये सारी कंपनियां में देखी जाती है सबसे लास्ट जो पॉइंट है नाइन्थ नंबर वो क्या है अपॉर्चुनिटी आर ओपन टू इंडियन नेशनल ओ पी आई यूएस हुआ आर करेंटली रिसाइडिंग इंडिया यानी ये जो अपॉर्चुनिटी है या हायरिंग है वो इंडियन नेशनल के लिए ओपन है ओ सी आई एस पी आई एस जो करेंटली रिसाइडिंग इंडिया में है उनके लिए भी ओपन है तो ये थे इसके लिए क्राइटेरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अप्लाई करने से पहले जो आपको जानना जरूरी है उस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फ्लेक्सीबल टू रेलोकेट टू एनी वेयर इंडिया यानी इंडिया के किसी भी ऑफिस में आपको रिलोकेट करना पड़ सकता है इसके लिए आपको तैयार रहना होगा वर्क इन एनी शिफ्ट आपको किसी भी शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है डे या नाइट किसी भी शिफ्ट में किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के लिए दिया जा सकता है किसी भी डोमेन के ऊपर दिया जा सकता है इंक्लूडिंग जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस भी बोला जा सकता है तो आपको करना पड़ेगा एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट तो ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कैंडिडेट मस्ट अपलोड रिज्यूमे फोटोग्राफ फोटोग्राफीडेट यानी कैंडिडेट जो है अपना जो रिज्यूमे अपलोड करेंगे उसमें जो है फोटोग्राफ होना चाहिए आपका ठीक है तो आप फोटोग्राफ के साथ ही रिज्यूमे अपलोड करेंगे यानी आपके रिज्यूमे में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए नेक्स्ट क्या ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग स्कूल सर्टिफिकेट कॉलेज सेमेस्टर मार्कशीट गवर्नमेंट आईडी प्रूफ प्रूफ एज वन फाइल इन पीडीएफ फॉर्मेट ड्यूरिंग टेस्ट रजिस्ट्रेशन इस पॉइंट को आप समझिए कि आपको क्या कह रहा है कि आपको जो है स्कूल सर्टिफिकेट कॉलेज मार्कशीट गवर्नमेंट आईडी प्रूफ इन सारे चीज़ों को जो है एक पीडीएफ में सेव करके अपलोड करना है वन पीडीएफ में अपलोड करना है ठीक है यदि आप अलग अलग अपलोड करते हैं तो आपका जो है जो रिज्यू में जो है शॉर्ट नहीं होगा रिज्यू में जो है शॉर्ट नहीं होगा इसका कहने का क्या मतलब है कि से आपके पास ये सपोज कीजिए वन पी फाइल है ओ एनी वन डॉट पी डी एफ फाइल का नाम यही रखना है वो एन वन डॉट पी डी एफ इसमें क्या करना है आपको क्या करना है पहले स्कूल वाला सर्टिफिकेट रख देना है फिर आपको इसमें कॉलेज का सेमेस्टर मार्कशीट से रखना है फिर इसमें क्या करना है गवर्नमेंट आईडी प्रूफ रखना है और इन सारी चीज़ों को जो है एक पी में सेव करके अपलोड करना है तो ये था सेकेंड पॉइंट थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्टूडेंट शुड हैव सॉफ्ट कॉपी ऑफ बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट रेडी टू तो बी बेयर ड्यूरिंग ऑनलाइन इंटरव्यू यानी ऑनलाइन इंटरव्यू के वक्त आपको जो है ये तीन चीज़ें तीन पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है ये तीन पॉइंट क्या क्या है ऑनलाइन इंटरव्यू के वक्त रिज्यूमे रिज्यूमे जो है आपका दो पेज का होना चाहिए दो पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए रिज्यूमे के अंदर हाई रिजोलेशन का आपका पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए ठीक है और फोटो में जो है आपका दोनों कान दिखना चाहिए अच्छे से और साथ ही साथ जो आपका फोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो लाइट बैकग्राउंड होगा नेक्स्ट क्या ऑल एकेडमिक मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन यानी वेरिफिकेशन के लिए आपके सारे मार्कशीट एकेडमिक वाले होने चाहिए थर्ड पॉइंट क्या है कि आधार कार्ड पैन कार्ड और पासपोर्ट ये जो है आपका अवेलेबल होना चाहिए नेक्स्ट इन्होंने क्या मैंसन किया है कि ज्वाइनिंग कंपनसेशन जो है आपका चार लाख एक हजार नौ सौ अट्ठासी रुपया पर एनम होगा और चार लाख पचास हजार पाँच सौ जो है ये पर एनम आफ्टर जो है प्रोवेशन पीरियड के बाद आपका होगा ठीक है यानी प्रोवेशन पीरियड के बाद जो आपका सैलरी होगी वो फोर पॉइंट फाइव की होगी नोट में इन्होंने कुछ पॉइंट मेंशन किया है इफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑन बोर्डेड एज ए फ्रेशर एंड नो पैरियर वर्क यानी यदि आप सेलेक्ट किए जाते हैं तो आपका जो ऑनबोडिंग होगा एज ए फ्रेशर होगा यह माना जाएगा कि आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है ठीक है इसका कहने का मतलब है कि ये जो हायरिंग है वो दो वालों के लिए है और दो वालों के लिए है और दो वालों के लिए भी है ठीक है तो कोई बंदा अगर 2020 में किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और फिर 2022 में एक ऑंगिजेंट में आना चाहता है तो इस बंदे के पास क्या है कि तीन साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ठीक है तीन साल का एक्सपीरियंस होने का मतलब है कि आप हो सकता है इंटरव्यू के वक्त आप ये डिमांड करें कि मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ मुझे जो सैलरी जो है इंक्रीज करके दिया जाए ठीक है इसलिए इन्होंने क्या बोला कि इसे आपके पास जो है कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा अगर आप सेलेक्ट किए जाते हैं तो तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चीज़ को आप कंसीडर करके रखिए अब हम इसके हायरिंग वर्कफ्लो के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या होगा जी आपका अपलिकेशन लिया जाएगा अपलीकेशन के बाद होगा कि रिज्यूमे शॉर्ट होगा रिज्यूमे शॉर्ट होने के बाद ऑनलाइन टेस्ट होगा फिर एक ऑनलाइन टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट के बाद जो है आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा और टेक्निकल इंटरव्यू पास करने के बाद जो है आपका ऑफर लेटर दिया जाएगा ठीक है इन सारे चीज़ में क्या है कि से रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग जो है ये ऑनलाइन होगा ठीक है ऑनलाइन टेस्ट का वेन्यू और शेड्यूल जो है आपको मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया जाएगा टेक्निकल इंटरव्यू जो है ये भी मेल के थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा ये जो ऑनलाइन टेस्ट है ना ये दोनों ऑनलाइन टेस्ट ये फर्स्ट और सेकेंड वाला जो ऑनलाइन टेस्ट है ये दोनों में सेलेक्ट होने के बाद यानी ये दोनों में पास आप होंगे फिर आपका जो है टेक्निकल इंटरव्यू होगा यदि आप इन दोनों में पास नहीं हो पाते हैं ना तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू नहीं होगा और इस टेक्निकल इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद ही इस टेक्निकल इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद ही आपका ऑफर लेटर मिलेगा इस टेक्निकल इंटरव्यू में पास होने के बाद ही आपको ऑफर लेटर मिलेगा तो ये था कॉन्ग्रीजेंट का हायरिंग वर्क फ्लो बाकी अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अप्लाई करने में कोई इशू हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू बाय बाय